लो भाई हमारी सुबह तो ऐसी होती है, कुओं को ना से देखते हम तो, नाचो भाई नाचो, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई सुबह सुबह की शुरुआत हमारी ऐसी होती है, कुहू को नाश्ते में देखते हैं, दूसरा काम कर रहा हूँ, अपने आप को सवार रहा हूँ भाई क्योंकि मेरे को भी फटाफट निकलना है भाई बब्दी के साथ, वो जाएगी भाई होम्योपैथी वाली किसी डॉक्टर के पास, जिससे मम्मी की दवाई लेता हूँ ना, कह रही मेरे बहुत ज्यादा सफेद बाल आ रहे हैं, मेरे को दवाई लेनी है। बोलो इतनी सी उम्र में सिर्फ बुढ़ापा आने लग गया। तुम्हारे भाई की पर्सनैलिटी देखो, बिल्कुल जवान हूँ मैं तो यार, मेरे से बस 6 साल बढ़िया, वो देखो अभी से बुढ़ापा आ गए कि सारे सफेद बाल आ गए। तो सबसे पहले मैं दिलाने जा रहा हूँ उनको दवाई, क्योंकि अभी वो जिम के बाहर है, कह रहे मेरे को ना जिम से उठा लियो फिर वहां से चलेंगे। और भाई धूप इतनी ज्यादा तेज हो रही है ना, हमने ना ये जो चिक है ना अपनी, जैसे ये भी सामने चेक है ना, इसको बंद कर रखा है, लेकिन इसके साइड से भी इतनी तेज ज्यादा रोशनी आ रही है, तुम्हें देख रहा है ये देखो, ये और ये, और यहाँ इस कोनों कोनों से इतनी गर्मी आ रही है। तो भाई अपनी मीर आंटी तो कर रहे हैं कि सफाई, आंटी हेलो हेलो बोल दो। और भाई सारे सारे यूट्यूबर जो वीडियो बना रहे हैं ना आदिवासी तेल की, जैसे अब मैं नाम तो लूंगा नहीं हर किसी का, मैंने भी एक से मंगाया, देखते भाई फायदा होगा कि नहीं। मेरे अंदर जितने भी सवाल थे मेरे दिमाग में सारे मैंने पूछ लिए उससे, लेकिन मैं उनसे ना एक चीज पूछा मैंने कि अगर लाइसेंस है क्या सेल करने का, तो भाई सब ने ना बहाना मार दिया कि हाँ हाँ है लाइसेंस है, लेकिन हमारे पास नहीं है, जिम में लेके नहीं घूमते, वहां रखा हुआ है। मैंने चल ठीक है भाई, लेकिन ना बस एक लाइसेंस नहीं उनके पास, बाकी सब तो पता नहीं, मैंने सब देखा जड़ी बूटी पता नहीं क्या डालते, वीडियो कॉल करके मैंने सब कुछ पूछा है उनसे, सारे सवाल पूछे, तो देखते भाई असर करता है कि नहीं, पता नहीं ये वाले बाल रहते नहीं या तो ये भी उड़ जाएंगे। तो ये भाई तुम्हारे भाई का नया गमछा है, ये मैंने वहां से लिया था, कहाँ से लिया था मैं भूल गया यार, महाराष्ट्र नहीं नहीं गुजरात नहीं बनारस, ये बनारस से लिया था, बनारस हम घूमने गए थे ना, ये वाला गमछा भाई स्पेशली मेरे को सलमान भाई ने अपने हाथ से दिया था। तो भी वेडनेसडे को भाई मैं लेग मार के आया था, इतना तेज दर्द हो रहा ना, मैं सीढ़ी चढ़ी ना उतरी ना, बैठा भी जा रहा कहीं पे, कुछ ज्यादा तगड़ी ज्यादा फॉर्म में मार दी मैंने। मेरी हायाबुसा की भाई सीट बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, तो ये देखो ठंडा पानी डालो और सीट ठंडी कर लो भाई, थोड़ा सा बचा के रखूंगा ताकि थोड़े पीने का काम भी आए, बहुत ज्यादा गर्म है भाई ये। भाई बब्दी को तो मैंने उठा लिया है लेकिन ना मेरे को ये बोली थी कि ना मेरे जैसा अपने जैसा ये गमछा लेके आई हूँ मेरे लिए, ताकि गर्मी ना लगे, और लेकर ही नहीं आया। मैं भाई लाना ही भूल गया, अब वापस घर जा रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, चुपती जलती गर्मी। तो भाई घर तो हम पहुंच गए, पहली बात मैं चुन्नी लाना तो भूल गया, मैं हेलमेट ले जाना ही भूल गया। तो लो भाई उठा लिया फटाफट से हेलमेट, अब चलते हैं। लो भाई आ गई अपनी चुन्नी, मम्मी ने थैले में डाल दी थी, बढ़िया मम्मी। भाई चुन्नी नहीं पहन पा रही है, पागल हो गई इतनी देर से, अब वैसे पहन ली, अभी आगे जाके ना मुस्टंडा जैसे बन गई थी नाक पे पहन के, हाँ अब ठीक है, शाबाश भाई। तैयार तो ऐसे हो गए, पूरा मुंह छुपा लिया, अब लोग मेरे को गलत समझेंगे किस लड़की को लेके जा रहा है। सच में भाई बहुत ज्यादा तेज गर्मी ऐसी ना चुपती भी जा रही है, क्योंकि अभी तो मैंने हेलमेट उठा रखा है, जैसे है ना खिड़की आगे की, फिर वो तो ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद मैं इसको नीचे करके चल रहा हूँ, तब जाके थोड़ा ना ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सुकून है, लेकिन जैसे इसको ऊपर करते हैं तो भाई ऐसी चिलचिल आती है, गर्मी आ रही है ना, ऐसे भाई मेरी जो त्वचा है ना वो फाड़ के निकल जाएगी अंदर। पहुंच गए भाई हम, और इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, ये देखो मेरा हेलमेट दिख रहा है पूरा भीग गया पसीने में। लेके आते हैं भाई बब्दी की दवाई, बब्दी को जवान बना के आते हैं, वापस हो जाएंगे सारे के सारे काले बाल। चलो भाई ये रही ले ली दवाई, अब बब्दी जवान हो जाएगी, सारे बाल काले हो जाएंगे। बाहर तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, अंदर ना एसी चल रहा था इतना मजा आ रहा था, लेकिन बाहर आती ना चुबन चुबन सी हो गई, हीटर चल रहा है बाहर तो, अंदर तो इतना मजा आ रहा था, फटाफट निकलते भाई घर, अब मेरे ख्याल से सीट वापस गर्म हो गई होगी। गर्म हो गई नहीं 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 कौन सा कहाँ पे है, देखते नारियल पानी या जूस कुछ तो होगा पिएगा। ठीक है ठीक है भाई, इसको वापस ठंडा करना पड़ेगा, बोतल निकालता अपनी। तो भाई ये हमारा गर्मी का जुगाड़, पूरी सीट भिगो देते हैं, ये औजार में लेकर चलता हूँ अपने साथ, पीने में भी काम आता है और ये धोने के लिए भी, अब ठंडी हो गई मस्त मस्त। तो भाई गर्मी को मद्देनजर रखते हुए भाई जूस पीने आया है, मिक्स फ्रूट, तीन फ्रूट के जूस बन रहे हैं, मौसमी अनार और पाइनएप्पल। लो जी लो भाई आ गया अपना मिक्स फ्रूट जूस, पीते हैं फिर निकलते हैं भाई घर। लो भाई मैंने तो पी लिया है, हो गया खत्म, चलो भाई निकलते हैं। पहुंच गए भाई घर, मैंने तो कसम खा ली भाई, अब आज के बाद से ये इस दोपहर में मैं जाऊंगा नहीं कहीं पे भाई, चाहे तुम मेरे को सामने से पैसे दे के बुला लो, चाहे कुछ भी कर लो, मैं आऊंगा ही नहीं, अब तो मैं निकलता हूँ हमेशा शाम को ही। ये तो मैं अपनी ये बहन के काम से निकल गया, लेकिन मैं तो भाई किसी में हिम्मत नहीं मेरे को दोपहर के निकालने के लिए भाई, बहुत बेकार हालत है भाई, हाथ जुड़वा लिए, कोई मत जाना भाई, अपने घर पे रहो तुम, शाम को निकलो जब भी निकलना है। सुबह से खाली पेट घूम रहा हूँ भाई, सुबह उठते सबसे पहले मैंने ये काम करा है कि ये पहले अपनी अबे पंखा, सबसे पहले उठ के मैंने ये काम करा है, ये पहले दवाई लेके आया, अब मैं जाऊंगा भाई नहाने के लिए। लो भाई आ गया अपना खाना, सब्जी बनी है आज, घिया चने की दाल साथ में भाई मट्ठा, सैलेड, पापड़ और रोटी। तो मेरा तो भाई नहाना धोना हो गया कम्प्लीट, अब जाके भाई राहत मिली है,
भाई अब देखना, क्लोज योर आईज, ये नौटंकी चीज मम्मी ने सिखाई है इसको, ये इसकी मम्मी ने नहीं मेरी मम्मी ने, एक बार देखो वापस देखना, एक रुक जा, क्लोज योर आईज। हाँ अब थोड़ा मौसम ठीक हो गया भाई, धूप चली गई, शाम हो गई, शाम के 5 बज रहे हैं, बबदी और कुकू का घर छोड़ के आता हूँ। दोपहर के 3 बज रहे भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है उसमें यार, बहुत ज़्यादा। एक तो हमने अपना ना पुराना कूलर निकाल दिया, ये बेचने के लिए किसी काम आता ही नहीं क्योंकि अब तो एसी चलता है ना। और अपने भाई थोड़े बहुत कपड़े भी डाल दिए मैंने धोने के लिए, मेरे ख्याल से धुल गए हैं, वॉशिंग मशीन बंद हो गई ना। हाँ चलो भाई धुल गए हैं, अभी सुखाऊंगा इनको। सुबह से भाई बाहर निकलने का कहीं मन ही नहीं करता क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी है ना, ऐसा लग रहा है सूरज ना सर के ऊपर खड़ा हुआ है। अरे बाप रे, फिलहाल तो अभी थोड़ी सी धूप तो वैसे कम हो गई है। अभी मेरे को ना जाना है बब्दी के छोले कुलचे लेने के लिए, और क्यों लेने जाना है वो थोड़ा आगे का प्लान बताता हूँ, पहले लेके आता हूँ। और मेरे को ना एक चीज़ और समझ नहीं आ रही, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि घर में कोई भी चीज़ छू रहा हूँ, किसी को भी छू रहा हूँ, करंट लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को बताना। अगर तुम लोगों के साथ हो रहा है ना तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। लो भाई मिल गए कुलचे, छोले तो भाई घर में बनेंगे, आ जाओगे भाई छोले कुलचे पार्टी। तो लो भाई कपड़े तो मैंने धो के सुखा दिए, और इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी है ना, मुश्किल से इनको आधा घंटा लगेगा सूखने के लिए। तो मैं हो गया तैयार, यश भी हो रहा है तैयार, हितेश हो रहा है तैयार, मयंक भी हो रहा है तैयार, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और मैंने छोले कुलचे क्यों लिए थे अब मैं बताता हूँ। जिया जी ने लिया भाई अपना खुद का घर जमीन से जुड़ा हुआ, तो उसकी पार्टी है आज, तो वहां जा रहे हैं। फिलहाल अभी ये सारे के सारे तैयार हो रहे, फिर चलते हैं। भाई यश हो गया तैयार, यश ने नया फोन का कवर लिया, कमेंट करके बताना भाई कैसा लगा। ओके ये जा रहा भी मिठाई लेने के लिए, हितेश भी हो गया तैयार, ये दोनों के दोनों जा रहे हैं मिठाई लेने के लिए, तुम पहुंचो मैं आता हूँ, जाओ। तो भाई मयंक भी हो गया तैयार, बस मैं इसी का वेट कर रहा था, ये थोड़ा तैयार हो रहा था, अब चलते हैं भाई। तो भाई जिया जी आ चुके हैं, जिया जी में गाइड कर रहे हैं ऊपर फ्लोर तक। तो यहाँ से होती है भाई इसकी एंट्रेंस, ये भाई अपना पहला रूम है, ऊपर झूमर लगा हुआ है, और भाई इस वाले कमरे के यहाँ पे भी एक रूम है, बाकी धीरे धीरे करके ना इसको रेनोवेट करेंगे। और यहाँ से एक कमरा इधर निकलता है, इधर भी टॉयलेट बाथरूम, इधर भी टॉयलेट बाथरूम, और यहाँ पे हो गई अपनी ये एक किचन, और एक कमरा यहाँ हो गया, और यहाँ पे हो गई अपनी बालकनी। और इस वाले रूम से अगर यहाँ करेंगे तो एक रूम एक और आ जाता है यहाँ पे, यहाँ भी आ गई अपनी बालकनी, और यहाँ पे आ गई थोड़ी सी स्टोरेज। तो ये जो भी भाई पहले अभी छूटा हुआ है ना, ये पुराने वाले मालिकों का छूटा, मतलब जो यहाँ पे पहले रहते थे, और बाकी हम अपने हिसाब से इसको रेनोवेट करेंगे। बाकी भाई घर कैसा लगा कमेंट करके एक बार बताना, और जिया जी को एक बार कंग्रेचुलेशन जरूर हो देना। जिया जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतनी ज्यादा मेहनत करी और आप इस मुकाम पे पहुंचे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भाई मैं आपको ना बालकनी दिखाना भूल गया, ये ऊपर शेड लगा हुआ है, बालकनी काफी अच्छी है, देखो काफी ज्यादा स्पेशियस है, ये देखो बाकी नीचे का व्यू नहीं दिखाऊंगा, ये देखो यहाँ से और एक छोटा सा रास्ता निकलता है यहाँ पे, काफी अच्छी है भाई, आराम से बैठो, ऊपर शेड भी लगा हुआ है, लाइट भी लगी हुई है। भाई नया घर देख के तो आ गए, अब जा रहे वापस पुराने घर पार्टी करने के लिए। ये देखो भाई हमारे स्वागत के लिए कितना सारा सामान लेके आई, देखो ये मंचूरियन, और ये है स्प्रिंग रोल, और उसमें है चिली पोटैटो, और इसके बाद छोले कुलचे और है, अभी इतना कैसे खाएंगे हम। अच्छा छोले कुलचे हो गए हमारे मेन कोर्स में, ये पड़े अपने कुलचे, और ये सब हो गया भाई, अभी खाने का देखते भाई ये हजम कर पाएंगे कि नहीं। लो जी लो भाई आ गए अपने छोले कुलचे, चलो भाई चलते हैं, खाली छोले भटूरे, कुछ ज्यादा पेट भर गया, और सॉरी हाँ छोले कुलचे, जिंदगी में इतने घटे छोले कुलचे आज तक नहीं खाए, बिल्कुल बेकार बंदे, खट्टे खट्टे से। इतने रिव्यू दो छोले कुलचे कैसे लगे, बढ़िया मेरे को बेकार क्यों लग रहे थे, खट्टे खट्टे से। अच्छा सामने खड़े इसलिए नहीं बोल रहा, अरे चौकट से बाहर जाती बोलेगा, देखो इतने बेकार बने थे, पैक और कर दी गई तू ले जा। चाहे तुम भाई जोन सी मर्जी आइसक्रीम ले आओ, लेकिन 10 रुपए की ऑरेंज वाली आइसक्रीम का कोई तोड़ नहीं है। बाकी इस ब्लॉग को करते हैं एंड, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।